तो किसी को स्लग टेरा याद है? अब वैसे तो ये उतना पुराना कार्टून भी नहीं है, पर क्योंकि पिछले कुछ सालों से हम लोगों में से शायद ही किसी ने कार्टून्स को एंजॉय किया हो, तो उसके लिए भी बहुत नॉस्टैल्जिक होगा। और मैं तो भूल ही गया था कि मुझे कितना पसंद था ये शो। ये डिज्नी XD पे शायद से मेरा फेवरेट कार्टून था। तो असल में स्लग टेरा एक जगह का नाम है जो अर्थ और डार्क केवंस के बीच में है। अर्थ पर इंसान रहते हैं, उस डार्क जगह पे डार्क वाटर और डीमंस रहते हैं, और उनके बीच स्लग टेरा में पाए जाते हैं स्लग्स। तो ये एक तरह से पोकेमोन की तरह है। स्लग्स जो रियल लाइफ में भी होते हैं, पर इसमें वो पावरफुल क्रिएचर्स हैं जिन्हें अगर हाई स्पीड में फायर किया जाए तो वो अपनी बीस्ट फॉर्म खोल देते हैं। तो स्लग फाइट एक स्पोर्ट की तरह है स्लग टेरा में। अब मैं एक बहुत बड़ा पोकेमोन फैन था, तो ये शो एक तरह से उसका थोड़ा सा मैच्योर और ज्यादा इंटरेस्टिंग वर्जन लगा। तो इलाई जो हमारा मेन कैरेक्टर है, उसके फादर की डेथ हो गई है 5 साल पहले, और अब उसे स्लग टेरा में जाना है ताकि वो वहाँ शांति बनाए रख सके। तो स्लग टेरा का कॉन्सेप्ट था कि तुम स्लग्स को पाल सकते हो, फिर उन स्लग्स को तुम अपनी गन्स में गोलियों की तरह यूज कर सकते हो। उन्हें फायर करो, वो इवॉल्व होंगे एक बीस्ट में। सबकी पावर्स अलग अलग होती है, तो उसी तरह से वो अटैक करते हैं, और जिसके स्लग्स अभी भी लड़ने की हालत में है वो जीत जाएगा। लेकिन पोकेमोन से अलग इसमें विलेंस थे, क्योंकि स्लग्स एक तरह से हथियार थे और वो हर जगह मिल जाते थे। तो लोगों ने चोरी करने के लिए, दूसरों को डराने के लिए उनका इस्तेमाल करना चालू कर दिया, और इसीलिए अपने मेन कैरेक्टर को धरती से दूर यहाँ शांति बनाए रखने के लिए आना ही था। और अभी 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और जो चीज कई लोगों को अजीब लगती थी उस टाइम, आज लोग उसे वापस देखना चाहते हैं, चाहे उसका नया सीजन लाओ या फिर एक मूवी। अब इलाई के डैड जो शांति बनाए रखते थे स्लग टेरा में, वो वहाँ के सबसे बेस्ट स्लग फाइटर थे। मतलब इलाई को फेम तो आसानी से मिल गया, पर उसे चाहिए थी स्किल्स, और उसी नाम के चलते ही उसकी स्लग गैंग भी बनती जो अंत तक उसका साथ देगी। कुछ लोग फायदे के लिए जुड़े थे, कुछ नाम के लिए, पर धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। अब इसके मेन विलन्स में से है डॉक्टर ब्लेक, जिसने इलाई के डैड को मारा था। मतलब उसकी मौत शो में इस एपिसोड तक कंफर्म नहीं थी, और मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, पर डॉक्टर ब्लेक असल में डीप कैवर्न्स में बहुत पहले कांटेक्ट में आ गया था, और वहां से उसे पता चला कि डार्क वाटर की मदद से वो अपने स्लग्स को और भी खतरनाक बना सकता है डेविल्स की तरह, क्योंकि उसे कमजोर स्लग्स पसंद नहीं थे। और वैसे तो स्लग्स की वैरायटी बहुत सारी है स्लग टेरा में, पर जो इनके वो घोल डेविल वर्जन होते हैं, ये ज़ॉम्बी की तरह होते हैं, हमेशा पागल, गुस्से में और लड़ने के लिए तैयार। मतलब इतने वैरायटी के स्लग्स हैं, और फिर उन सब की पावर्स बिल्कुल अलग अलग कि तुम्हें ऐसा फील ही नहीं होगा कि साला सेम एपिसोड हर बार वापस से देख रहे हैं। और फिर उनके गॉडली स्लग्स भी हैं, यानी जैसे लेजेंडरी पोकेमोन होते जिनकी पावर्स अलग लेवल पे होती थी, पर उन्हें हर कोई यूज भी नहीं कर सकता था, और वो बहुत रेयरली मिलते थे। इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, अच्छे एक्शन और ग्रेट कैरेक्टर्स के अलावा स्लग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि उन सब की भी अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती थी, और तुम उनके प्यार में पड़ जाओगे, लाइक उन्हें पालना चाहोगे। जैसे पोकेमोन में पिकाचू और एस की रिलेशनशिप पे ध्यान दिया गया था, वहीं स्लग टेरा में स्लग्स और उनके साथ ऑनर पे ध्यान दिया जाता था, पर इतना ज्यादा कि स्लग्स बस एक वेपन नहीं पर शो के मेन कैरेक्टर्स की फील देते थे। पर स्लग टेरा की एक और चीज जो पोकेमोन ने कभी डिस्कस नहीं की, और वो कि अपने पेट्स को लड़ाई में यूज करना सही नहीं, वो एनिमल अब्यूज है। पर क्यों ये जरूरी है और क्यों स्लग्स इससे परेशान नहीं होते, इसके ऊपर एक पूरी स्टोरी लाइन है, और इसीलिए इलाई हमेशा दूसरे स्लग्स के लिए भी केयर करता था। उसके लिए वो उसके फ्रेंड्स हैं जिन्हें तौला नहीं जा सकता, क्योंकि स्लग टेरा में स्लग्स पैसों की तरह भी यूज होते हैं, और वो यही चेंज करना चाहता है। और पोकेमोन में जहाँ पोकेमोन्स को तो यूं ही पकड़ लेते हैं, यहाँ इलाई स्लग्स से पूछता भी है कि क्या वो उसका साथ देना भी चाहते हैं या नहीं। और स्लग्स पोकेमोन की तरह इंजर्ड भी नहीं होते जब अपनी बीस्ट फॉर्म में लड़ते हैं। तो अब वैसे तो ओरिजिनल शो रहा नहीं, पर पिछले कुछ मंथ्स में स्लग टेरा के चैनल पे स्लग टेरा के स्पेशल शॉर्ट्स डाले जा रहे हैं, जो तुम देख सकते हो। और अगर तुमने अभी तक स्लग टेरा नहीं देखा है तो पक्का जाकर देख लो, मैं बता रहा हूँ कि ये तुम्हें बहुत पसंद आएगा। और ऐसे ही अगर किसी और कार्टून के बारे में वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना, और मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।